हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ मानसरी तुरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ कर रहे थे। सो आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो जिनके पास MPSC 004 यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया ये सब्जेक्ट है, आपको पता होगा कि यूनिट्स जो हमारे पास 15 यूनिट्स है टोटल। ओके, सबसे पहले जो यूनिट है, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं सबसे पहले बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है, जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी यूनिट का, इंट्रोडक्शन और समरी आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। और इस यूनिट में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट आपको ये यूनिट पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। ओके, सो ये है हमारी यूनिट नंबर 2, जिसमें ओके ये यूनिट भी आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है, इंट्रोडक्शन, डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ रीसेंट स्कॉलरशिप, कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। ओके, ये यूनिट आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 भी आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4 पर। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, राम मनोहर रॉय के बारे में आपको पढ़ लेना है, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बंकिम चंद चटर्जी के बारे में पढ़ लेना है, ये कंप्लीट पढ़ लो, बहुत इजी भी है। ओके, समरी तक। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 5 पर। ओके, इसमें आपको इंट्रोडक्शन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मॉडरेट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, कंपैरिजन पढ़ लेना और यहाँ तक आप पढ़ लेना, सूरत स्प्लिट भी पढ़ लेना, ये भी कंप्लीट कर लो। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 6 पर। यूनिट नंबर 6 जो है हिंदू यानी स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, इन दोनों के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ओके, ठीक है, इसे इनके व्यूज़ आप पढ़ सकते हो, विवेकानंद श्री अरविंदो घोष के व्यूज़, और अरविंदो घोष के जो व्यूज़ हैं नेशनलिज्म पर और पैसिव रेसिस्टेंस पर, ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे, और पैसिव रेसिस्टेंस की जो इनकी थियरी है, ठीक है, इंडियन थियरी ऑफ स्टेट, ये कंप्लीट पढ़ लो आप, इसमें मैं कुछ छोड़ने को नहीं कहूँगी। इसके बाद यूनिट नंबर 7 पर आ जाते हैं। यूनिट नंबर 7 पर हिंदुत्व, वीडी सावरकर एंड MS गोलवालकर, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सावरकर जी पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। यूनिट नंबर 8 पर आ जाते हैं। यूनिट नंबर 8 पर आ जाते हैं, इसमें सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम थॉट की बात कर लेते हैं, तो सर सैयद अहमद खान में कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न एजुकेशन पढ़ लेना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पढ़ लेना, मोहम्मद इकबाल का पढ़ लेना, इनका आइडियाज़ जो है नेशनलिज्म पर, ये पढ़ लेना, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, बस ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। मौलाना मौदूदी स्किप कर दो, जिन्ना की जो थियरी है टू नेशन थियरी वो पढ़ लेना, टू नेशन थियरी पढ़ लेना जिन्ना की, ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है, समरी पढ़ लेना। उसके बाद यूनिट नंबर 9 पर आ जाते हैं। ओके, इसमें आपको नाइकर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ब्राह्मण डोमिनेशन जो इन्होंने क्रिटिक किया था हिंदूज में, कांग्रेस को जो क्रिटिक और महात्मा गांधी क्रिटिक किया था, ये पढ़ लेना, ठीक है, 9.2.3 2.4 छोड़ देना। पंडित रमाबाई के बारे में पढ़ लेना,
जयपाल सिंह इन्हें स्किप कर दो, इन्होंने जो ट्राइबल के आइडेंटिटी के लिए जो इन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी। काजी नजरुल इस्लाम इनके बारे में भी छोड़ सकते हो आप, भाई कान सिंह इनके बारे में पढ़ लो, ईजी है, आप पढ़ सकते हो, समरी कर लेना इसके बाद। इसके बाद यूनिट नंबर 10 पर आ जाते हैं। एम के गांधी के बारे में मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत आप स्कूल टाइमिंग से पढ़ते रहते हो गांधी के बारे में, तो एक बार पढ़ लेना इनके बारे में, फिलोसफी फाउंडेशन गांधी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, ये पढ़ लेना, इनके थॉट्स पढ़ लेना थोड़े थोड़े। स्वराज का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, स्वदेशी कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। यूनिट नंबर 11 पर चलते हैं। ओके, तो नेहरू साइंटिफिक टेंपर ये पढ़ लेना, पॉलिटिकल आइडियाज़ पढ़ लेना इनके, सोशलिस्ट पर नेहरू के व्यूज़ क्या हैं वो पढ़ लेना, इजी है, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएंगे आपको। यूनिट नंबर 12 पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में इंट्रोडक्शन, लाइफ स्केच, हिज राइटिंग्स, ये कंप्लीट आपको पढ़ लेना है। ओके, अब यूनिट नंबर 13 पर चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन और समरी सबकी पढ़नी है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। इनका जो कॉन्सेप्ट था क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म पर, जो इन्होंने क्रिटिक किया, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना, इसके अलावा आप छोड़ सकते हो, और डिफरेंसेस विद गांधी, तो ये सारे आप पढ़ लेना, बाकी 13.2, 13.3 और 13.6 आप स्किप कर सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो बट स्किप भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 14 पर चलते हैं। यूनिट नंबर 14 पर आ जाते हैं हम, इसमें आपको इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, और यहाँ पे एम एन रॉय के बारे में पढ़ लो, इनका जो मार्क्सिज्म और ह्यूमैनिस्टिक क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, रेडिकल ह्यूमैनिज्म, इनके बारे में भी इन्हें स्किप कर दो, ठीक है, 14.7 ये आप स्किप कर दो, समरी कर लेना। यूनिट नंबर 15 पर चलते हैं। चलिए, इसमें आपको, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सोशलिस्ट थॉट ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्हें आप पढ़ लो, इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही है, समरी भी पढ़नी है, जयप्रकाश नारायण के थॉट भी पढ़ सकते हो, इजी है, एक एक पैराग्राफ में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत टफ है। ओके, तो पढ़ लेना एक बार, ये पढ़ लो, ये छोड़ दो, 15.2 छोड़ दो, वैसे पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो, ठीक है। तो ये है सब यूनिट्स जो कि मैंने आपको बता दिए। सो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बाकी चीज़ें कुछ पूछी नहीं जा सकती, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, उस चीज़ पर फोकस ज़रूर रखें, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का जो नेशनलिज्म उन्होंने क्रिटिक किया, उनके डिफरेंसेस है गांधी जी से, वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, इकबाल, मोहम्मद इकबाल का जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है, नाइकर का डोमिनेशन, ब्राह्मण डोमिनेशन में जरूर क्रिटिक किया है, हिंदूज में क्रिटिक किया है, वो पढ़ने हैं आपको, वी डी सावरकर का नेशनलिज्म, इन सब चीज़ों को आपको, नेशन स्टेट की जो उनकी थ्योरी, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इन्हें आपको ज़रूर पढ़ने, एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ज़रूर आप ला सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो, और एग्ज़ाम में जब जब आप आंसर सिस्टमैटिकली लिखते हो, मतलब तरीके से जब आप आंसर लिखते हो, अटैम्प्ट अच्छे से करते हो, आंसर राइटिंग भी एक आर्ट होती है जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो उस तरीके से जब अगर आप लिखते हो तो मार्क्स ज़रूर डेफिनेटली अच्छे आते हैं, ठीक है। सो जिसने पढ़ना शुरू नहीं किया वो डेफिनेटली पढ़ना शुरू कर दे, और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।